सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज पर शुरू होने जा रहा है भदोही जिले के खबरों का खजाना। आज की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैसी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर से। शुक्रवार की शाम भदोही जिले के आसमान पर चांद के नीचे एक रोशनी नुमा छल्ला दिखाई पड़ने पर जनपद वासियों के लिए कौतूहल का विषय बन गया। चंद्रमा के नीचे चमकता हुआ छल्ला दिखाई देने की बात पर लोग अपने घरों से बाहर आ गए और इस आश्चर्यचकित कर देने वाले दृश्य को युवक अपने मोबाइल में कैद करते नजर आए। साथ ही यह बात तेजी के साथ भदोही जनपद में फैल गई। सत्यम न्यूज कार्यालय के फोन भी घनघनाने लगे। कौतूहल बस लोग जानकारी लेने के लिए लगातार सत्यम न्यूज दफ्तर में फोन करने लगे। लोग चांद के नीचे चमकीला तारानुमा छल्ला देख आश्चर्यचकित नजर आए। समूचे जिले से लोग चांद के नीचे चमकीला तारेनुमा छल्ला को देखने के बाद चर्चा करते देखे गए। उधर कुछ बुजुर्गों ने बताया कि 30 साल पहले इस तरह का दृश्य दिखाई पड़ा था और यह बात आग की तरह भदोही जिले में तेजी के साथ फैल गई थी। ट्रैक्टर चलित आटा चक्की का पत्थर तेज आवाज के साथ क्षतिग्रस्त हो गया। चक्की के पत्थर का जाता क्षतिग्रस्त होने से पिता पुत्र घायल हो गए। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भुड़की गांव के बिंद बस्ती का है। भुड़की गांव के बिंद बस्ती में राजधर बिंद अपने घर के समीप ट्रैक्टर से आटा पीस रहा था। ट्रैक्टर चलित आटा चक्की का पत्थर अचानक तेज आवाज के साथ टूट गया। हादसे में जहां चक्की चला रहा 38 वर्षीय राजधर बिंद गंभीर रूप से घायल हो गया तो वहीं उसके पिता राम प्रसाद बिंद समीप चारपाई पर सोए हुए थे। चक्की के पत्थर के जद में आने से राम प्रसाद बिंद भी घायल हो गए। आनन फानन में पिता पुत्र को ज्ञानपुर जिला अस्पताल लाया गया जहां राजधर बिंद की हालत गंभीर बताते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। हादसे से भुड़की गाँव में अफरा तफरी फैल गई थी। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे डीह ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा को दलित उत्पीड़न सहित सामूहिक रूप से प्रयागराज की एक महिला की अस्मत लूटने के मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जमानत दे दी है। फिलहाल अभी मनीष मिश्रा को गैंगस्टर के मामले में जेल में ही रहना होगा। भदोही कोर्ट में महिला की ओर से दिए गए बयान के आधार पर मनीष मिश्रा को जमानत मिली है। मनीष मिश्रा व सुरेश केसरवानी को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। मनीष मिश्रा पिछले 1.5 साल से जेल में बंद हैं। औराई ओवर ब्रिज एक ट्रामा सेंटर के समीप अज्ञात वाहन बेकाबू हो गया जिसकी चपेट में आने से 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। हादसे में ज्ञानपुर के अधिवक्ता मदनलाल बिंद के भाई ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार बिंद व खमरिया के बगीचा मोहल्ला निवासी वकील अहमद की मौत हुई है। मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। बताया जाता है कि गोपीगंज के कोयलरा निवासी एडवोकेट मदनलाल बिंद के भाई मनोज कुमार बिंद मिर्जापुर के मझवा ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात थे। ड्यूटी से घर बाइक से लौट रहे थे। इसी तरह औराई के खमरिया बगीचा मोहल्ला पोखरा निवासी वकील अहमद भी बाइक से अपनी पत्नी नसीबुल व पुत्र अरसलान को लेकर वाराणसी से घर जा रहा था। तभी औराई ओवर ब्रिज ट्रामा सेंटर के समीप अज्ञात वाहन बेकाबू हो गया और दोनों बाइक सवार वाहन के चपेट में आ गए। हादसे में वकील व मनोज की मौके पर ही मौत हो गई। औराई ओवर ब्रिज पर बेकाबू वाहन ने पल भर में 2 घरों में कोहराम मचा दिया। हादसे में जहां खमरिया निवासी वकील अहमद व कोयलरा निवासी ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार बिंद की मौत हो गई, वहीं हादसे में वकील की पत्नी नसीबुन व पुत्र अरसलान घायल हो गए। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। अब औराई पुलिस आसपास के CCTV को खंगाल रही है और अज्ञात वाहन व हादसे की वजह तलाशने में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे में जान गंवाने वाला वकील खाते कमाते परिवार का था और कालीन बनाने का काम करता था। मौत के बाद उसके बच्चे अनाथ हो गए। वकील ही अपने परिवार का खर्च चलाता था। मौत के बाद परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। इलाके वासियों ने जिला प्रशासन से वकील के परिवार को आर्थिक सहयोग दिए जाने की मांग की है। जुमे की नमाज और दिन भर इबादत और तिलावत के बीच रमजान माह का पहला रोजा बीत गया। जुमे की नमाज में नमाजियों की आमद से मस्जिदें फूल रही। शाम के इफ्तार के बाद भदोही जिले की मस्जिदों में विशेष नमाज तरावी के लिए एक बार फिर भीड़ देखी गई।
हालांकि शुक्रवार का मौसम भदोही जिले पर मेहरबान रहा। एक ओर रोजेदार तो दूसरी तरफ चैत्र नवरात्र पर व्रत रखने वाले आस्थावानों के हौसले बुलंद रहे। रोजा व नवरात्र को लेकर फलों की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ देखी गई। इफ्तार के बाद भदोही जिले में मुस्लिम बाहुल इलाके की बाजारें एक बार फिर गुलजार हो गई। चोरों की निगाह अब भदोही जिले के विद्यालयों पर पूरी तरह गड़ गई है। कार्रवाई न होने से चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। इस बार चोरों ने ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कंपोजिट विद्यालय बड़वापुर को अपना निशाना बनाया है। कंपोजिट विद्यालय के पश्चिम तरफ लगा लोहे का गेट चोर उखाड़ ले गए हैं। इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक विजय प्रताप सिंह व ग्राम प्रधान रमा शंकर ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि विद्यालय में लगा लोहे का गेट जहां चोर उखाड़ ले गए, वहीं हैंडवाश स्थल व शौचालय में लगी टोटी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हौसला बुलंद चोर विद्यालय को निशाना बना रहे हैं और आए दिन चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। भदोही शहर कोतवाली इलाके के कारपेट सिटी के समीप दबंग युवकों ने कारपेट सिटी के एक दुकान पर जा रहे डुड़वा कुकरौटी निवासी नंदलाल यादव नामक युवक की पिटाई कर दी। क्रिकेट को लेकर कुछ लोगों से विवाद हुआ था, लेकिन फुलवरिया के युवकों ने नंदलाल यादव को रोककर उसकी बैट से पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उपचार के लिए एमबीएस लाया गया, जहां डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। उधर नंदलाल के भाई दुर्गा शंकर की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने फुलवरिया निवासी नीरज लोलारक सरोज, बसंत लाल उर्फ बसकाला सरोज के खिलाफ 308 व 352 के तहत मुकदमा दर्ज कराते हुए बसंत लाल उर्फ बसकाला सरोज व लोलारक सरोज को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया गया है। भदोही जिले का एक ऐसा गांव है जहां की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रही है। शौचालय, पेयजल, हैंडपंप, आवासीय सुविधाओं से दूर रहने वाली इस गांव की जनता ने अब भदोही जिले के डीएम से जन सुविधाओं की गुहार लगाई है। यह उपेक्षित ग्राम सभा है ज्ञानपुर ब्लॉक का पूरे दल्लू गाँव, जहाँ शुक्रवार को पूरे दल्लू की राजकली, रज्जो देवी, किरण, सुनीता, बलिराम, फोटो देवी सहित दर्जनों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उनके गांव का पूरे दल्लू में कोई भी सुविधाएं मौजूद नहीं है। ग्राम प्रधान से शिकायत करने पर ग्राम प्रधान द्वारा तरह तरह की धमकी दी जा रही है। शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि आवास, शौचालय, हैंडपंप जैसी सुविधाएं आज तक बस्ती वालों को नसीब नहीं हो पाई है। शिकायती पत्र देते हुए ग्राम सभा में जन सुविधाओं को पूरा कराए जाने की मांग की गई है। असनाव इलाके के उधवा माफी में हो रहे नाला व आरसीसी सड़क निर्माण के जांच की मांग उठने लगी है। उधवा माफी इलाके के रमेश चंद यादव, भोला श्यामधर, डब्लू विकास, अवधेश कुमार ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए कहा कि असनाव जयरामपुर मार्ग के उधवा माफी गांव में आरसीसी सड़क व नाले का निर्माण कराया जा रहा है, जो काफी घटिया किस्म का है। साथ ही सड़क निर्माण स्थल पर लोगों ने प्रदर्शन करते हुए निर्माण कार्यों की जांच कराए जाने की मांग की है। कहा कि एक शिलापट लगाया गया है, जिस पर लागत, निर्माण तिथि तक नहीं लिखा गया है। इस पूरे निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इलाके वासियों ने मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज के बाबा बड़े शिव धाम के समीप लगा नगर पालिका परिषद गोपीगंज के नलकूप का मोटर एक बार फिर जल गया है। नलकूप का मोटर जलने से इससे जुड़े क्षेत्रों में पेयजल संकट गहरा गया है। इलाके वासियों ने बताया कि एक माह में दूसरी बार नलकूप का मोटर जला है। मोटर जलने से मिर्जापुर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, काली देवी सहित इससे जुड़े इलाकों की पेयजल आपूर्ति बदहाल हो गई है। फिलहाल नलकूप को बनाने का काम नगर पालिका परिषद गोपीगंज द्वारा तेज कर दिया गया है। आज पेयजल आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद जताई गई है। भदोही सुरियावा मार्ग फत्तूपुर अकेलमा के समीप दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में दोनों बाइक सवार घायल सड़क पर पड़े थे। सूचना पर पहुंची भदोही कोतवाली पुलिस ने दोनों घायलों को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया है। इयाई गांव निवासी विनोद नामक बाइक सवार भदोही से सुरियावा की तरफ जा रहा था, जबकि डुड़वा नई बस्ती निवासी बाइक चालक
इंद्रेश सूर्यामा से भदोही की तरफ आ रहा था। दोनों बाइकों में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार घायल हो गए तथा बाइक का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। भदोही कोतवाली पुलिस ने दोनों घायलों को MBS भदोही में भर्ती कराते हुए घायलों के परिजनों को सूचना दे दी थी। घटना की जानकारी होते ही परिजन अस्पताल पहुँच गए थे। 11 साल की बच्ची के हत्या के मामले में दो आरोपियों को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गोपीगंज पुलिस के अचूक साक्ष्य विवेचना व विशेष लोक अभियोजक विकास नारायण सिंह की पैरवी तथा हेड कांस्टेबल कमलेश सिंह द्वारा गवाहों को समय समय पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने के फलस्वरूप 11 साल की बच्ची के गुनाहगारों को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड से दंडित किया है। माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कच्छ संख्या प्रथम साइलोच चंद्रा की अदालत ने गोपीगंज के चक राजाराम निवासी कुंदन व कलेक्टर को आजीवन कारावास के साथ 30,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। 2020 में गोपीगंज पुलिस ने बच्ची के हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। एक ओर आंधी पानी ओलावृष्टि से जहां जिले का अन्नदाता बेहाल है, तो वहीं इंदिरा मिल बाईपास से जमनीपुर कॉलोनी से होते हुए अभियनपुर उर्फ लखनपुर की ओर जाने वाला नाला पूरी तरह जाम है। जाम नाले का पानी आसपास के किसानों की फसल डुबो रहा है, जिससे खेतों में खड़ी किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। जाम नाले व बर्बाद हो रही फसल से परेशान किसानों ने बर्बाद हो रही फसल को बचाने की गुहार लगाई है। शुक्रवार को अपना दल यश के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र पटेल के नेतृत्व में किसानों ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद भदोही जीलाल को एक पत्र सौंपते हुए जाम नाले की सफाई कराए जाने की मांग की है, ताकि किसानों की बर्बादी को रोका जा सके। जंगीगंज के सराय जगदीश रेलवे हाल्ट पर किसान यूनियन का प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी रहा। तमाम मांगों को लेकर भारतीय रेल संघर्ष मोर्चा व भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के पदाधिकारी 12 मार्च से प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनियन के पदाधिकारी सराय जगदीश रेलवे हाल्ट का सीतामढ़ी रोड रेलवे स्टेशन करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के ठहराव की भी मांग यूनियन द्वारा की जा रही है। इसी तरह आंधी पानी व बर्फबारी में किसानों की बर्बाद हुई फसल के मुआवजे की मांग को लेकर भी किसान यूनियन प्रदर्शन के जरिए गरज रहे हैं। लगातार 13वें दिन भी किसान यूनियन का प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शन करने वालों में यूनियन के जिला अध्यक्ष शालीराम यादव, मनीलाल यादव, राजेंद्र पाल, आरती केवट, बैजनाथ पाल आदि मौजूद रहे। सूर्यामा ब्लॉक के चक कुसही प्राथमिक विद्यालय पर शुक्रवार को कक्षा 5 के छात्रों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। स्कूल को भव्य रूप से सजाया गया था। इस दौरान स्कूल के छात्र और अध्यापकों की आंखें नम हो गई। कक्षा 5 के अंतिम वर्ष की शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के विदाई के लिए एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। फेयरवेल पार्टी में सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। शिक्षकों ने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ उन्हें विदा किया। कार्यक्रम में छात्रों के अभिभावक भी पहुंचे थे। अध्यापकों द्वारा छात्रों को उपहार भी दिया गया। इस मौके पर चक कुसही प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक वेद प्रकाश, अध्यापक नितेश कुमार उपाध्याय, प्रशांत कुमार, देवेंद्र कुमार पांडे आदि मौजूद रहे। उच्च थाना इलाके के सुधमें निवासी रामाशंकर ने SP को एक शिकायती पत्र देते हुए जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। SP को दिए गए पत्र में कहा कि गांव के धर्मराज का परिवार जबरन उसके भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, जबकि उक्त भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। विपक्षी का परिवार लगातार जान से मार देने की धमकी दे रहा है, जिससे उसका परिवार डरा व सहमा है। रामाशंकर ने SP को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की मांग तेज हो गई है। ज्ञानपुर के पटेल नगर में मौर्य विकास समिति कार्यालय पर पहले एक बैठक हुई, उसके बाद समिति से जुड़े पदाधिकारी DM कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपते हुए चक्रवर्ती राजा महान अशोक सम्राट की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। कहा कि 29 मार्च को सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाती है। 29 मार्च को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने की मौर्य विकास समिति ने मांग की है। पत्र सौंपने वालों में मौर्य विकास समिति के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार मौर्य सहित प्रदीप कुमार मौर्य, रमेश चंद मौर्य, संजय मौर्य आदि मौजूद रहे।
चोरी की शिकायत करना एक फरियादी को इतना भारी पड़ गया कि चोर के साथ फरियादी का भी सुरियामा पुलिस ने चालान कर दिया। अब फरियादी एसपी को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगा रहा है। पूरे गलेरिया निवासी रोहित ने एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि दरवाजे पर खड़ी बाइक उसकी चोरी हो गई थी। रात में ही उसने तलाश शुरू की। गाँव में बाइक के साथ एक युवक पकड़ा गया। यूपी डायल 112 पुलिस को सूचना देकर बाइक चोर को हिरासत में लेते हुए पुलिस चोर संघ बाइक थाने ले गई। रोहित का कहना है कि जब वह थाने पहुंचा तो बाइक चुराने वाले चोर के साथ उसका भी 151 के तहत चालान कर दिया गया। एसपी को शिकायती पत्र देते हुए रोहित ने जांच की मांग की है। भदोही जिले के प्रसिद्धी स्कूलों की परीक्षा संपन्न हो गई। 28 मार्च को रिजल्ट का वितरण किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि जिले के प्रसिद्धी स्कूलों में 20 मार्च से 24 मार्च तक परीक्षा कराई गई। 918 प्रसिद्धी स्कूलों के 1,90,000 बच्चों ने परीक्षा दी है। 2 पालियों में परीक्षा कराई गई थी। 28 मार्च तक सभी बच्चों को रिजल्ट वितरित कर दिया जाएगा ताकि 1 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत हो सके। संचारी रोग बचाव व जागरूकता को लेकर नगर पंचायत सुरियामा के सभागार में अधिशासी अधिकारी सोनल जैन की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में सुरियामा सीएससी अधीक्षक आशीष चतुर्वेदी, निगरानी समिति के सदस्य, सफाई कर्मी व नगर पंचायत के कर्मचारीगण मौजूद रहे, जहां निगरानी समिति के सदस्यों व सफाई कर्मियों को निर्देश देते हुए बताया कि वह अपने अपने मोहल्लों में संचारी रोग को लेकर मोहल्ले वासियों को जागरूक करें। शुद्ध पेयजल का उपयोग, मच्छरों की रोकथाम, अपने मकानों के आसपास सफाई रखने की जानकारी देते हुए संचारी रोग को लेकर बैठक में लोगों को जागरूक किया गया। बैठक में नगर पंचायत लिपिक प्रेम, विजय उपाध्याय, आलोक मिश्रा आदि मौजूद रहे। बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती के निर्देश पर भदोही जिले के बसपाई लगातार गांव चलो अभियान के तहत बैठक कर रहे हैं। बैठक की इसी कड़ी में अभोली ब्लॉक के हरदुआ गांव में बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक संपन्न हुई है। बैठक के मुख्य अतिथि मिर्जापुर मंडल मुख्य जोन इंचार्ज रामलाल पाल रहे। इस दौरान उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी गांव चलो अभियान के तहत युवाओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। बेहतर काम करने वाले युवाओं को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी व संचालन एडवोकेट संतोष कुमार राव ने किया। बैठक में सुनील गौतम, सुरेश गौतम, बाल कृष्ण, राम अवधविंद, शशि शंकर आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हाल में आत्मनिर्भर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक प्रोफेसर ब्रह्मदेव, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के प्रोफेसर अखिल मिश्रा रहे। संगोष्ठी का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभी अतिथियों का प्रचार पीएन डोगरे ने बैच लगाकर स्वागत किया। सेमिनार में मुख्य अतिथियों ने एक स्मारिका का भी विमोचन किया है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत की चुनौतियों एवं संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर डॉक्टर रमेश चंद यादव, डॉक्टर कमाल सिद्दीकी, डॉक्टर चंद्रभान, डॉक्टर महेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। फिलहाल सत्यम न्यूज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।